माणा गांव को भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यह गांव बद्रीनाथ धाम से 2 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के बाद मैं माणा गांव आ गया। माणा गांव बहुत ही सुंदर जगह है। यहां आकर तो ऐसा लगा जैसे कि स्वर्ग में आ गए हूं। माणा गांव अपने वाहन से या टैक्सी से आ सकते हैं। माणा गांव में देखने के लिए कुछ जगह हैं। इनमें प्रमुख हैं गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और वसुधारा। इस गांव में एक छोटी सी मार्केट भी है जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें भी मिलती हैं। यहां के प्रमुख पर्यटक स्थलों में सबसे पहले आती है गणेश गुफा। ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान गणेश जी ने महर्षि व्यास जी के निवेदन पर महाभारत ग्रंथ को लिखा था। यहाँ का दूसरा पर्यटक स्थल है व्यास गुफा। कहा जाता है कि श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था और 17 पुराणों को लिखा था। यहीं महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारी सुंदर जगहें हैं जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य से मन मोह लेती हैं, मगर एक जगह है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं जहाँ दोबारा जाना चाहूँगा, और वो जगह है वसुधारा। वसुधारा एक प्राकृतिक झरना है जो कि बहुत ही ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरता है। आसमान को छूते पहाड़
और उससे नीचे गिरते पानी के झरने को देखने का जो आनंद मुझे मिला, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। वसुधारा की यात्रा एक कठिन यात्रा है। वसुधारा माणा गांव से 5 किलोमीटर दूर है और यहां पैदल ही जाया जा सकता है। वसुधारा की यात्रा इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ का आधा रास्ता पथरीला है और यहाँ कोई भी दुकान नहीं है और बहुत ही कम लोग इस जगह तक जाते हैं, लेकिन यहाँ के दृश्य बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हों। पांडव महाभारत के युद्ध के बाद स्वर्ग जाने के लिए इसी मार्ग से गए थे, इसीलिए इसे स्वर्गारोहण भी कहा जाता है। वसुधारा जाने से पहले हम चलेंगे भीमपुल, जहां हमें सरस्वती नदी जी के दर्शन होंगे। यही एकमात्र जगह है जहां पर हम सरस्वती नदी जी का दर्शन कर सकते हैं। माणा गांव का तीसरा आकर्षण है भीम पुल। यह पुल सरस्वती नदी के ऊपर बना है। भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि स्वर्ग की ओर जाते समय सरस्वती नदी को पार करने के लिए महाबली भीम ने एक विशाल पत्थर की शिला को उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल को पार करके तब पांडव आगे गए थे। तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
यहीं पास में है द्रौपदी मंदिर। इसके बारे में कहा जाता है कि स्वर्ग जाते समय द्रौपदी ने अपने प्राण यहीं त्यागे थे। आइए चलते हैं यहाँ की चाय की दुकान पर। यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है क्योंकि ये भारत की आखिरी चाय की दुकान जो है, मगर मुझे यहाँ के पकौड़े बहुत पसंद आए। माणा गांव घूमने के लिए 1 घंटा काफ़ी है, लेकिन अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप थोड़ा सा और आगे वसुधारा तक जा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि मेरी कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से वसुधारा का ट्रैक स्टार्ट होता है जो कि 5 किलोमीटर लंबा है और यह एक निर्जन स्थान है, इसीलिए ट्रैकिंग के लिए जब भी जाएं तो वाटर बॉटल और कुछ खाने का सामान ले जाएं। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है,
इतनी शांति का अनुभव मैंने कहीं नहीं किया। वसुधारा से भी आगे की ट्रैकिंग है जो कि संतोपत तक जाती है। संतोपत एक ग्लेशियर के पास की जगह है जहां एक सरोवर है, मगर वहां तक जाना बहुत ही कठिन है। ये थी मेरी यात्रा माणा गांव की। तो दोबारा मिलूंगा आपसे एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।